वेलकम टू माई चैनल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक, तो सबसे पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरह से है, कराची में हुई बारिश तो हम निकले बाहर ज़रा घूमने, ऐसे ही थोड़ी बहुत आउटिंग के लिए। तो हमने कहा चलो जी बाहर चाय भी पीते हैं। तो चलिए फिर देखिए हमने क्या क्या करा इस व्लॉग में। तो यहाँ हमारी चाय आ चुकी है और मैंने बारिश को समोसे और चाय के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करा। बकरा ईद का सीज़न है तो रास्ते में हमें कुछ बकरे भी नज़र आ गए थे। तो अब हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं। बारिश भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी लेकिन पूरी रुकी नहीं थी, कभी हो रही थी कभी रुक रही थी। वैसे तो प्रेडिक्शन थी कि तेज़ बारिश होगी, लेकिन वही बात है जी, ये सब काम तो अल्लाह के हैं, अल्लाह को सही मालूम होता है। तो अभी यही सुनने में आ रहा था कि जो है सिस्टम आते आते अपनी जो है शिद्दत उसकी कमज़ोर हो चुकी है, इस वजह से कराची में हल्की बारिश होगी। तो शुक्र है वैसे हुई, बहुत गर्मी थी। कराची का मौसम तो आप लोगों को पता है इतना गर्म होता है और यहाँ बारिश भी कभी कभार होती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है हो गई, मौसम बहुत अच्छा था और हमने सोचा कि चलो चलते हैं बाहर थोड़ा करीब में ही, क्योंकि बारिश में अक्सर कराची में ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो हम करीब में ही चाय पीने गए थे और अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। घर के करीब रास्ते में हमें छोटी सी नर्सरी नज़र आई। अम्मी को यहाँ से कड़ी पत्ते का गमला चाहिए था तो इसी वजह से हम यहाँ पर रुके थे। तो अब हमें यहाँ से कड़ी पत्ते का गमला मिल चुका है और अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। ये हमारी सोसाइटी के अंदर ही पार्क बना हुआ है और फैमिलीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। हमने अक्सर दूर से ही देखा था इस पार्क को, कभी हम अंदर नहीं आए थे। तो आज इत्तेफाक से ऐसा मौका बन गया कि हम यहाँ आ गए, तो हमने कहा चलो देखते हैं कैसा है ये पार्क। We're holding on.